कल पश्चिम बंगाल में गृहमंत्री अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए चुनावी वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आए तो वहाँ पे 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। केरल में भी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि अगर वो वहाँ सत्ता में आए तो फ्री ट्रांसपोर्ट करेंगे महिलाओं के लिए। तमिलनाडु में भी चुनावी वादे इन्होंने किए हैं कि जो दिल्ली में काम हो रहे हैं उसी तरह के चुनावी वादे इन्होंने तमिलनाडु में किए हैं। परसों प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ में कोरोना अपडेट पर रिव्यू कर रहे थे और वहाँ उन्होंने होम आइसोलेशन को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन ही कोरोना से लड़ने में, कोरोना के मैनेजमेंट में सबसे कारगर हथियार साबित हुआ है अभी तक। उन्होंने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स अब पूरे देश में बनाए जाने की जरूरत है। पिछले दिनों में देख रहा था कि असम में प्रचार करते हुए कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी जी ने भी वहां फ्री बिजली का वादा किया है। पंजाब में मैंने देखा कि वहां के कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ऐलान कर दिया है कि महिलाओं के लिए सरकारी बसें फ्री होंगी दिल्ली की तर्ज पर। वो अलग बात है कि वहाँ की सड़कों पर सरकारी बसें हैं नहीं, पर उन्होंने वहाँ ऐलान कर दिया है। तो कुल मिला के मैं देख रहा हूँ कि खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को भी, कि देश में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकर चुनाव लड़ रही है। वो आज भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। हम इसे देश के राजनीति के लिए और देश के विकास के लिए एक अच्छा संकेत देखते हैं। ये इस बात को साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल जी ही केवल और केवल एक ऐसे नेता हैं जिनके पास देश को लेकर विजन है। आज अरविंद केजरीवाल जी ही ऐसे नेता हैं जिनके पास देश के आम आदमी की जरूरतों की समझ है, उसको क्या चाहिए, उसके जीवन में क्या तकलीफ है, उसका विकास कैसे हो सकता है, देश के आम आदमी का और देश का विकास कैसे हो सकता है, इसकी सबसे कारगर और सबसे सटीक योजनाएं केवल और केवल देश में अरविंद केजरीवाल जी के पास में है। देश को सही दिशा में ले जाने के लिए आज दिल्ली की जो सरकार काम कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार, वही लीडरशिप है जो डेवलपमेंट लीडरशिप का जो मॉडल केजरीवाल मॉडल से निकल के आ रहा है। आज ये देख के खुशी हो रही है कि बाकी पार्टियां उसको फॉलो करती दिख रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जहां भी सत्ता में आने का सपना देख रही है उसी मॉडल को जनता के सामने रख रही है, उसी मॉडल के नाम पे वोट मांग रही है। अरविंद केजरीवाल जी देश के लिए सोचते हैं, देश के लोगों के भले के लिए सोचते हैं और उनकी सबसे खास बात यह है लेकिन कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। आज दिल्ली में जो भी काम हो रहे हैं गवर्नेंस को लेकर, दिल्ली के आम आदमी को लेकर, उनके बेस पे कह सकते हैं कि आज दिल्ली देश भर में विकास के नए नए प्रयोगों की एक प्रयोगशाला बन गई है। यहाँ से विकास के, डेवलपमेंट के नए नए प्रयोग हो रहे हैं, वो चाहे इकोनॉमी को लेकर प्रयोग हो रहे हों, लोगों के घर चलाने को लेकर प्रयोग हो रहे हों, स्कूल अस्पताल को लेकर प्रयोग हो रहे हों, देश के लिए नए नए प्रयोगों की एक प्रयोगशाला बन चुकी है। अब ये बीजेपी वाले दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने जाते हैं तो वहां तो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते हैं, लेकिन दिल्ली में जब वही काम अरविंद केजरीवाल जी करते हैं तो उसको रोकते हैं। प्रधानमंत्री जी भी होम आइसोलेशन की बात तो करते हैं कि होम आइसोलेशन ही कोरोना से लड़ने में, सारे मुख्यमंत्रियों को उन्होंने सलाह दी कि होम आइसोलेशन को बढ़ावा दीजिए, होम आइसोलेशन से ही आप कोरोना के इतने बढ़ते हुए केसेस से लड़ सकते हैं। लेकिन जब दिल्ली में, आपको याद होगा, होम आइसोलेशन की पहली बार शुरुआत दिल्ली में की गई थी और हमने लोगों को कहा था अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, इसकी शुरुआत दिल्ली में हुई थी जिसमें सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस करके ये कहा था दिल्ली के आम लोगों से कि अगर आपको कोरोना है, कोरोना पॉजिटिव आए हैं आप, लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप आराम से घर पे बैठिए,
सरकार की ओर से डॉक्टर आपसे रोजाना बात करेंगे, दिन में 2-3 बार आपका हालचाल पूछेंगे, और कोई भी गड़बड़ होगी तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए रेफर करेंगे। ये होम आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट ही अरविंद केजरीवाल जी लेकर आए थे, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार ने इसको दिल्ली में लागू किया तो आपको याद होगा कि किस तरह से अमित शाह जी ने लगातार इसका विरोध किया और केंद्र सरकार से आदेश दिए कि नहीं, होम आइसोलेशन नहीं चलेगा, कोरोना का कोई भी पॉजिटिव आदमी होगा तो पहले उसको 5 दिन कंटेनमेंट उसमें भेजा जाएगा, क्वारंटीन किया जाएगा, क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। बड़े लड़ लड़के इनसे ये आदेश वापस कराया कि होम आइसोलेशन से बढ़िया नहीं है, कोरोना पॉजिटिव पाए जाते ही किसी को उठा के आप क्वारंटीन सेंटर भेज दो, वो अच्छा तरीका नहीं है। तो आज खुशी है कि दिल्ली के इस प्रयोग को प्रधानमंत्री जी भी मान रहे हैं कि यही है, यही एक तरीका है जिससे हम कोरोना के बढ़ते मरीजों से लड़ सकते हैं। आपको याद होगा जब कोरोना पिछले साल जब कोरोना को लेकर लॉकडाउन हुआ था और पूरी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिद पे अड़ी हुई थी कि नहीं, जहां भी कोरोना के केस पाए जाए पूरे शहर को बंद कर दो, कस्बों को बंद कर दो। दिल्ली में उन्होंने मॉडल अपनाया कि पूरे इलाके को बंद कर दो, 8-8, 10-10 कॉलोनियां, 3-3, 4-4 किलोमीटर का एरिया बंद कर दो। तब भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर इलाके को अगर आप सील करोगे, घेराबंदी करोगे, तो उसके अंदर रहने वाले आदमियों को आपस में एक दूसरे से कोरोना होने का खतरा है, तो ये बड़े बड़े कंटेनमेंट जोन मत बनाइए, उन्होंने विरोध किया था। फिर मिनी कंटेनमेंट जोन का केजरीवाल जी ने फॉर्मूला दिया, आज माइक्रो कंटेनमेंट जोन कि 2-3 घरों को भी अगर आप वहां कोरोना है तो वहां पे 2-3 घरों को भी आप सील कर दें, उसको कंटेन करें, पूरी गली को भी कंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला निकल के आया है दिल्ली से और आज प्रधानमंत्री जी देश के सारे मुख्यमंत्रियों को सलाह दे रहे हैं कि मिनी कंटेनमेंट जोन बनाइए, होम आइसोलेशन की तरफ बढ़िए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब हमने दिल्ली में फ्री किया था महिलाओं के लिए, तो खूब बीजेपी ने शोर मचाया था, बीजेपी वालों ने मजाक भी बनाया था, खूब तोहमत भी दी थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रोकने की पूरी कोशिश की थी कि किस तरह से इसको रोका जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने लड़ के इसको योजना को पास कराया और आगे बढ़ाया, इसको लागू किया, और आज दिल्ली की महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि देश भर की महिलाओं को इसका फायदा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलना जा रहा है, क्योंकि जहां भी ये कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे मान रहे हैं कि महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, देश के लिए महिलाओं को लिए इसकी जरूरत है। यही हाल बिजली का था, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली फ्री करने की बात की थी, कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत ड्रामे किए थे, किसी ने धरना दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा केजरीवाल जी फ्री में बांट रहे हैं, फ्री में लुटा रहे हैं, बहुत तोहमतें दी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इस योजना को भी पूरी तरह से लागू किया गया। और आज दिल्ली में जब 70% आबादी को बिजली फ्री मिल रही है, तो ये बात समझ में आ रही है कि यही विकास का मॉडल है, यही कंट्री की ग्रोथ का तरीका है, इसी से इकोनॉमी बूस्ट होगी। और आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के गृह मंत्री भी पश्चिम बंगाल में जाके यही बात कह रहे हैं कि नहीं, केजरीवाल जी का मॉडल ही देश के विकास का असली मॉडल है। में जो नए नए प्रयोग, विकास के नए नए प्रयोग, देश के विकास का जो खाका केजरीवाल जी रख रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग और केंद्र सरकार उसमें अड़चने नहीं डालेंगे, और बल्कि मैं तो उम्मीद करूंगा, बल्कि सलाह भी दूंगा, प्रधानमंत्री जी भी इस बात को स्वीकार करें, इस बात को माने, प्रधानमंत्री जी देश के नेता हैं, उनको इस बात में कोई छोटे नहीं हो जाएंगे कि देश के किसी मुख्यमंत्री, भले ही वो दूसरी पार्टी का है, उसके साथ सलाह मशवरा करें, 15 दिन, हर 15 दिन में अरविंद केजरीवाल जी को चाय पीने के लिए बुलाएं और वहां बात करें कि भाई देश के विकास के लिए क्या मॉडल हो सकता है, देश के विकास के लिए जो मॉडल सोचे जा रहे हैं उनमें से किस योजना को कैसे अच्छे से लागू कर सकते हैं, कैसे आम आदमी का भला हो सकता है। तो मुझे लगता है एक नए तरीके का गवर्नेंस, नए तरीके का फायदा देश की इकोनॉमी को भी मिलेगा और देश के आम आदमी को भी मिलेगा, और उम्मीद है कि अब अड़चने नहीं लगाएंगे बल्कि काम में सहयोग करेंगे, क्योंकि अब उनको भी समझ में आ रहा है कि देश के विकास का मॉडल यही है। थैंक यू।